चटकाधीश, तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है टोटल पार्ट ऑब्जेक्ट्स, हमने लिए हैं रिलेशनशिप ओरेकल, टैरो है, फॉर्चून कुकीज है, स्ट्रॉबेरी ओरेकल एंड लव मैसेजेस। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को और देखते हैं टैरो हमें क्या मैसेजेस दे पाता है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो हमने बस 5 कार्ड चुन लिए हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो हाँ, बातें बहुत सारी दिल पे ली जा रही हैं। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पे मन का वेग जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत से थॉट प्रोसेस चल रही है एंड ये पर्सन आई थिंक बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। यहाँ पे बात आती है कि आप किस प्रकार से कम्युनिकेशन करने में रेडी हो एंड कितने जल्दी आप दोनों का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ हो पाएगा, इसके लिए पर्सन आई थिंक कोशिश करते हुए हमें नजर आ रहा है। सेकेंड कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। तो हाँ, कुछ नए रास्ते तराश लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहता है। मे बी इनकी सेल्फी या फिर इनके नए फोटोज आपको मिल सकते हैं, या फिर आप कोई नया थॉट अगर इनके दिल में आ चुका है तो आपको बता भी सकते हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने की होड़ लगी हुई है, जैसे हमने पहले कार्ड में देखा। एंड सेकेंडली पर्सन आपके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहता है, साझा करना चाहता है, चाहे फिर वो कहीं पे जाना हो, घूमना हो, आज उन्होंने कौन से प्लान्स बनाए हैं एंड आप उस प्लान में आना चाहते हो या नहीं, ये भी वो जानना चाहते हैं। थर्ड जो कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसकी बात करें तो हाँ, अगेन कम्युनिकेशन आता है यहाँ पे, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है। ज़्यादातर ये पर्सन चाहेगा कि शुरुआत आपसे हो एंड आप इनसे कम्युनिकेट करें, आप उनसे बातें शुरू करें एंड धीरे धीरे ये अपने दिल की बातें आपको बताना शुरू कर सके। हालांकि अगर आपसे कम्युनिकेशन शुरुआत में नहीं हो रहा है तो यही शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हद तक बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। अगला जो कार्ड है क्वीन ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जो है वो बहुत ही ग्राउंडेड डिसीजंस लेना चाहता है, लेकिन आई थिंक ये शाम के वक्त की बातें होंगी अगर हम ऐसा कहते हैं तो। सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। यहाँ पे फ्रूट्स आते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं, या फिर अगर आप इनको कहीं पे टहलने के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखती है। इस कार्ड में 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपसे निराश होना नहीं चाहता। हालांकि अगर किसी की रिलेशनशिप टूट चुकी है या फिर आपके बीच अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ये उनकी हालत हम देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पर्सन बस अंदाज लगाए हुए हैं कि आपसे कम्युनिकेशन हो पा रहा है, फिर आप खुद से इनके साथ कम्युनिकेशन कर लेंगे। अब देखते हैं हमें फॉर्चून कुकीज से क्या रीडिंग मिलती है। हम चुनेंगे सिर्फ 2 कुकीज, लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, ये आ गई पहली कुकी एंड दूसरी कुकी, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। दोनों कुकीज हमें क्या कहती हैं। पहली कुकी है फ्रेंडशिप एंड सेकंड कुकी है प्रॉपर्टी। अगर हम दोनों कुकीज को देखते हैं तो जो अंडरस्टैंडिंग आती है, जैसे हमने टैरो में देखा कि पेंटैकल्स भी यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कि एक ग्राउंडिंग एनर्जी है एंड साथ में कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है, जैसे कि जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, यानी कि भी एयर साइन। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन जाहिर तौर पे तो बहुत ही अच्छे मूड में रहेगा, लेकिन सडनली ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई इसका दिल दुखाए, या फिर अगर ऐसा होता है तो ये बहुत नाराज़ हो जाएगा एंड बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उठा लेगा। सेकेंडली चाहता है कि दिन भर उनकी ऊर्जा है वो बहुत अच्छी रहे, वे अपने दोस्तों से मिलते रहें, आपसे मिलते रहें, बातें होती रहें, कम्युनिकेशन होता रहे और उसमें कोई भी रुकावट ना आ जाए। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रॉबेरी ओरेकल। ओके, सो लेट्स सी कि हमें स्ट्रॉबेरी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो हम बस कुछ ही कार्ड चुनते हैं
ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, और ये आ गया तीसरा कार्ड। ओके, तीन कार्ड आ चुके हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। चल तो जो तीन कार्ड है वो क्या कहते हैं, लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो डोंट अलाउ एनीवन टू मेक अ चॉइस। अब अगर हम इस बात को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन खुद एक चॉइस करना चाहते हैं एंड किसी और को कोई भी वजह नहीं देना चाहते। तो आपको इनका बिहेवियर आज बहुत थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मूड में होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल भी आपको दिख सकते हैं। ये पर्सन जैसे वो चाहते हैं वैसे ही मनमानी करना चाहेंगे एंड जो उन्होंने डिसीजन लिया है, शायद पहले से लिया था कि आज हम क्या करेंगे, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस लाना नहीं चाहेंगे। ये आज उनकी प्रायोरिटी हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है जस्ट डू इट। अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो क्यों ना वो करे। तो ये प्लान्स उनके हैं, शायद सुबह से लेकर रात तक ये प्लान हो सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पे किसी के भी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे फिर आप हो, उनके फैमिली का कोई मेम्बर हो या उनका फ्रेंड हो, उन्होंने वो चीज़ करनी चाहिए ऐसा उनका मन हो सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो है टेक अ स्टेप। कहीं ना कहीं ये प्रेरित करना चाहते हैं या फिर जज्बाती कर सकते हैं किसी दूसरे प्रश्न को लेके आपको भी, कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो अभी आप क्यों मना कर रहे हो। तो हो सकता है अगर आपने कहीं पे प्लानिंग की थी विजिट करने की, या फिर या आपको कह रहे हैं कि नया जॉब लीजिए या फिर कोशिश कीजिए इंटरव्यू कर लीजिए, तो उनके लिए भी एक नई स्टेप हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें रिलेशनशिप ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड लेट्स सी कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हम इनसे चुनते हैं सिर्फ तीन कार्ड। पहला, यह आ गया दूसरा एंड यह आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, तीन कार्ड की रीडिंग क्या आती है देखते हैं अभी। जो पहला कार्ड है वो है प्राउड, काकी, सुपीरियर, फीस्टी, पावरफुल एंड वेमेंट, आई नो बेटर। कहीं ना कहीं ये आज उनका बिहेवियर हो सकता है कि भाई मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं साउंड डिसीजंस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ठीक है, तो जो भी उन्होंने सोचा है वो बहुत ध्यान से सोचा है एंड इसमें कोई भी गड़बड़ी की आशंका नहीं दिखती एंड इनको पता है कि उन्होंने कोई चीज़ क्यों की है और क्यों नहीं की है, इसलिए वो चाहेंगे कि आप इनका आज सपोर्ट करें। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है भी टिमिड, कॉवर्डली, रिलक्टेंट, हेजिटेंट, पावरलेस, अनवर्दी, ह्यूमिलेटेड एंड फियरफुल। इट्स सो हार्ड बीइंग वल्नरेबल। कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें यूं ही डायरेक्टली सरफेस पे आने से डर भी सकते हैं। ये आई थिंक कहीं ना कहीं एक उनका उनकी मेन वजह है। ये आई थिंक देख आपको जताना चाहते हैं कि ये बहुत सुपीरियर है या फिर बहुत पंक्चुअल है, कहीं ना कहीं पे जो वो चाहते हैं या फिर कहीं आप इनसे दूर ना हो जाइए, इनसिक्योरिटी भी यहाँ पे दिखती है। हालांकि यहाँ पे प्योर प्यार है और कुछ नहीं, और ये प्यार यूं ही बरकरार रहे यही उनकी दिली तमन्ना है। तो थर्ड कार्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे वो है भी अलर्ट, अलार्म्ड, स्टार्टल्ड, शॉक्ड, जंपी, बिवल्डर्ड, हॉरिफाइड, अफ्रेड, बू। कहीं ना कहीं कुछ सरप्राइजिंग इवेंट आज आपको देखने को मिल सकते हैं, सडनली कुछ सरप्राइजेस आपकी तरफ आ सकते हैं एंड फिर आपका रिएक्शन क्या होगा ये वो जरूर देखना चाहेंगे। और अब देखते हैं फाइनली कि हमें इस लव मैसेजेस से क्या रीडिंग मिलती है। हम यहाँ से लेते हैं तीन से चार कार्ड। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। चलो, ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया तीसरा कार्ड, और एक और कार्ड चुनते हैं जो कि चौथा कार्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स गो। जो पहला कार्ड है वो है भी जस्ट मिनट, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। यानी जब आप एक साथ होते हो, सोच रहे होते हो या फिर बस टहल रहे हो, तो कब कैसे समय निकल जाता है ये इनको पता नहीं चलता। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये बार बार आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर एक उम्मीद की किरण आपके पास छोड़ते हैं कि ये बार बार आपसे मिलना चाहते हैं। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है योर कडल्स आर द वर्ड आर वर्ड डाइव। मतलब कहीं ना कहीं पे आपसे हग्स एंड किसेस बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस पर्सन से एंड जब भी आपकी लास्ट मुलाकात हुई हो एंड यू हैड हग्स एंड किसेस, तो वो चाहते हैं कि बार बार ये चीज़ें पूछा या फिर बार बार आपको मिस करते हैं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें यहाँ पे दिखता है कि ये आपके सेल्फलेस लव, मतलब कहीं ना कहीं पे आप जो प्यार दर्शाते हो उनमें कोई भी नेगेटिव चीज़ इनको नहीं दिखती। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी, इट इज़ ऑसम।
जिस तरह से आप इनके हाथ पकड़ते हो, हाथ थामते हो, एंड आप दोनों फिर चाहे मूवी देख रहे हो या फिर चल रहे हो, उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मे बी आपके हाथों से वो स्थिरता महसूस करते हैं, या फिर एक जो प्यार है जो दिल से निकलता है वो फीलिंग उनको बहुत जज्बाती लगती है। जो फाइनल कार्ड है वो है आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। अगर आप मेरे से थोड़ा दूर भी हो तो भी मैं आपको मिस करता हूँ। कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा अटेंशन वो आपका पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में भी है, ये चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आती है। ये ताज का रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।